Good morning, class. This is our new pharmacology class in which today we are going to start our new unit, that is endocrine pharmacology. हालांकि एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी जो आपकी यूनिट है उसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी इसके अंदर कुछ एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो टॉपिक हम आज पढ़ लेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है एंटी थायरॉयड ड्रग्स. तो दो ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट, एक तो थायरॉयड वाला और एक स्टीरॉयड्स, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखिए, एंटी थायरॉयड ड्रग्स जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, नाम पता कर रहा है कि थायरॉयड की प्रॉब्लम जिनको हो रही हो, थायरॉयड की प्रॉब्लम क्या होगी भाई, या तो थायरॉयड हाइपर एक्टिव हो जाएगा या लो एक्टिविटी वो शो करेगा, यानी हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म. तो देखिए, इसके अंदर अपन एंटी थायरॉयड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनकी प्रिपरेशन, उनकी डोज और उनका थेरापेटिक यूजेस इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे. अब सबसे पहले, एंटी थायरॉयड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो हाइपर एक्टिव थायरॉयड ग्लैंड की कैपेसिटी, फंक्शनल कैपेसिटी को कम कर देती हैं. भाई कुछ लोगों के अंदर थायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, फंक्शनल कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको लो करने की जो ड्रग्स दी जाती है वो एंटी थायरॉयड ड्रग्स कहलाती हैं. अब जब थायरॉयड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस. थायरोटॉक्सिकोसिस थायरॉयड हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से देखी जाने वाली या अराइज होने वाली कंडीशन है. थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या हो जाता है कि थायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है थायरॉयड ग्लैंड से. तो पहली कंडीशन है थायरोटॉक्सिकोसिस. ये एक एक्चुअली इसी से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसको हम कह रहे हैं ग्रेव्स डिजीज. इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर फॉर्म. एक्चुअली थायरॉयड की वजह से दो डिजीज़ हो रही हैं, मेन तो हो रहे हैं थायरोटॉक्सिकोसिस के, थायरॉयड का टॉक्सिसिटी हो गई है. इसमें दो डिजीज़ हैं, ग्रेव्स डिजीज और टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर. या तो गलगंड रोग हो जाता है जिसको अपन गोइटर कहते हैं, इसमें क्या हो जाता है गले में नोड्यूल बन जाते हैं, टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर, या फिर थायरॉयड की वजह से होने वाली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका नाम है ग्रेव्स डिजीज. अब ये जो टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर है, इसके टू मेन कॉजेज देखने को मिल रहे होते हैं थायरॉयड के वजह से. नेक्स्ट अब हमें देखना है, ये तो हमने थायरॉयड की बीमारियां पढ़ी, अब इस थायरॉयड की बीमारियों में हम कौन सी दवाइयां दे सकते हैं, यानी एंटी थायरॉयड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन. तो इसको हम फोर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज इनहिबिटर ऑफ हार्मोन सिंथेसिस. सेकेंड, या तो हार्मोन का सिंथेसिस ही रोक दिया जाए, या हार्मोन के रिलीज को रोक दिया जाए, या रेडियो एक्टिव आयोडीन आप दे सकते हो, क्योंकि आयोडीन आप देते हैं, आप जानते हैं भाई थायरॉयड के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, या फिर आयोनिक इनहिबिटर्स आप दे सकते हैं. अब हार्मोन के सिंथेसिस को रोकने वाले ड्रग्स में कार्बिमेजोल, मैथीमेजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल नाम के ड्रग्स आती हैं. हार्मोन रिलीज इनहिबिटर के रूप में हम आयोडीन पढ़ते हैं, सोडियम पोटेशियम के आयोडाइड्स पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक आयोडाइड्स पढ़ते हैं. तीसरी, रेडियो एक्टिव आयोडीन के अंदर अपन रेडियो एक्टिव आयोडीन 131I जो है वो देते हैं. और लास्ट है आयोनिक इनहिबिटर्स में अपन थायोसाइनेट SCN जिसको कहते हैं, या परक्लोरेट्स CLO4, और तीसरी नाइट्रेट्स यानी NO3 अपन दे सकते हैं. ये आयोनिक इनहिबिटर्स होती हैं जो आयन्स को रोक देती हैं. अब हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली ड्रग में मैथीमेजोल, जिसको अपन कार्बिमेजोल के नाम से भी जानते हैं, या फिर प्रोपाइल थायोयूरासिल PTU ड्रग काम में ले रहे होते हैं. ये दो मेजर ड्रग्स हैं जो थायरोटॉक्सिकोसिस को ट्रीट करने के काम में आ रही होती हैं. कार्बिमेजोल जो है वो मैथीमेजोल में कन्वर्ट हो जाती है बॉडी के अंदर जाने के बाद, यानी इन वाइवो. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये थायरॉयड हार्मोन के प्रोडक्शन को रोक देती है, सिंथेसिस को रोक रही है, यानी थायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? पहला तो ये थायरॉयड परऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देगी. ये वो एंजाइम है जो इंट्रा थायरॉयडल ऑक्सीडेशन करवाता है आयोडाइड का. तो ये एंजाइम रुकता है, आयोडाइड कन्वर्ट नहीं होगा, थायरॉयडल ऑक्सीडेशन नहीं होगा उसका, और थायरॉयड हार्मोन का रिलीज नहीं होगा. दूसरा, ये थायरोसिन के आयोडिनेशन को इनहिबिट कर देती हैं ड्रग, थायरोसिन के आयोडिनेशन को.
तीसरा MIT DIT के कपलिंग ये होने नहीं देती, जो थायरॉयड हार्मोन को बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, MIT DIT की कपलिंग ये उसको नहीं होने देगी। चौथा ये प्रोपाइल थायो यूरासल ऑल्सो इनहिबिट्स पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4TO, क्योंकि अभी अपन ने मेथमेजोल का पढ़ा, तो जो दूसरी ड्रग है प्रोपाइल थायो यूरासल PTU क्या करती है, T4TO या आप कहिए T4 को T3 में कन्वर्ट जो है वो नहीं होने देती, क्योंकि DID1 एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो इस तरह से जो हार्मोन है वो थायराइड का हार्मोन वो नहीं बन पाएगा, तो ये डिथायराइड एक्टिविटी दिखाएंगी। नेक्स्ट ड्रग है कार्बिमेजोल, ये ज़्यादा पोटेंट है, सिंगल डेली डोज देंगे तो भी अपना असर बहुत अच्छा दिखाएगी, ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है और थायराइड ग्लैंड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, यूरिन के अंदर ये एक्सक्रीट आउट होती है, पर ये PTU के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो है। कुछ लोगों के अंदर ये इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन दिखाती है, जिससे सीरम के अंदर TSH इन्हीं रिसेप्टर की एंटीबॉडीज जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। इसका ये भी T4 को T3 के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देती, पर ज़्यादा अच्छा असर भी दिखा रही, लिटिल इफेक्ट ये दिखाती है। प्लेसेंटा को ये क्रॉस करती है और ब्रेस्ट मिल्क में भी ये जाती है, मतलब माँ से फीटस में भी जा सकती है और माँ से फीडिंग बेबी के अंदर भी ये जा सकती है। नेक्स्ट PTU प्रोपाइल थायो यूरासल, इसकी डोज जो है 10 times दैट ऑफ कार्बिमेजोल गिवन एवरी 6 to 8 hours, हर 6 से 8 घंटे में अपन को देनी पड़ती है, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी, 50 से 80% तक इसकी बायो अवेलेबिलिटी है, 24 घंटे के अंदर अंदर ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगी, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट भी नहीं है, हमारी इम्यूनिटी पर भी कोई बुरा असर नहीं डालती, ये T4 T3 में कन्वर्जन को भी रोक रही है, प्लेसेंटा को ये तेजी कम मतलब कम तेज़ी से ये क्रॉस करती है, तो अपन इसको प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। और ये ब्रेस्ट मिल्क में भी जो है एक्सक्रीट आउट नहीं होती, मतलब ये थोड़ी सेफ ड्रग है PTU। अब एंटी थायराइड ड्रग्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो हम बार बार बोल ही रहे हैं थायरोटॉक्सिकोसिस को कंट्रोल करने में, चाहे वो ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा हो, चाहे टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर की वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा हो, इन दोनों कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। ये क्लिनिकली इम्प्रूवमेंट जो है उसका 1 से 2 हफ्ते में ही शुरू हो जाता है। प्रोपाइल थायो यूरासल की डोज अपन 50 से 150 mg TDS दे सकते हैं और बाद में 50 mg तक इसको कम करते हुए मेंटेन रख सकते हैं। कार्बिमेजोल 5 से 15 mg TDS शुरुआत में दी जाती है, जबकि मेंटेनेंस डोज इसकी 2.5 से 10 mg डेली हो सकती है, 1:2 डिवाइडेड डोज। नेक्स्ट है आयोडाइड सॉल्ट या IOD। आयोडाइड सॉल्ट आप क्या TV के अंदर आप सब लोगों ने ऐड देखा है, गोइटर के अंदर, गलगंड रोग के अंदर आयोडीन युक्त नमक खाएं, तो आयोडाइड का सॉल्ट जो है वो ऑर्गेनिफिकेशन को रोक देता है, ऑर्गेनिफिकेशन को और थायराइड हार्मोन के रिलीज को रोक देता है। ऑर्गेनिफिकेशन को रोकने का मतलब क्या है, टायरोसिन के आयोडीनेशन को ये रोक देगा। ये सॉल्ट जो है इसी वजह से थायराइड ग्लैंड के साइज को कम करता है और थायराइड ग्लैंड में हाइपरप्लास्टिक एक्टिविटी ना हो, मतलब उसके सेल का नंबर साइज जो है वो बढ़े नहीं, सेल का साइज बना हाइपरप्लेसिया होता है, थायराइड ग्लैंड का साइज ना बढ़ सके, उसकी वैस्कुलैरिटी वगैरह को ये कम करने का काम करता है। इसलिए आयोडाइड सॉल्ट इनहिबिट द रिलीज एज वेल एज द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन, तो आयोडाइड सॉल्ट क्या कर रहा है, हार्मोन के सिंथेसिस को भी रोक रहा है, हार्मोन के रिलीज को भी रोकता है। इसका एक्शन शुरू हो जाता है बड़ी तेज़ी से, 2 से 7 दिन के अंदर अंदर ये जो सॉल्ट है अपना असर दिखाने लग जाएगा। इसका इफेक्ट ट्रांजिएंट होता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड एस्केप्स फ्रॉम आयोडाइड ब्लॉक आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट, या आपने कई हफ्ते इसका ट्रीटमेंट ले लिया और फिर अगर आपने नमक बंद कर दिया तो वापस थायराइड ग्लैंड जो होती है वो वहाँ से उससे आयोडाइन निकल जाएगा और फिर वापस अपनी जैसी एक्टिविटी थी वैसी करने लग जाएगी, इसलिए इसका ट्रांजिएंट इफेक्ट होता है। आयोडाइड सॉल्ट जो होता है थायराइड स्टॉर्म में भी काम में ले सकता है, मतलब अगर किसी को सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा हो इसको अपन थायराइड स्टॉर्म कहते हैं, या फिर सर्जिकल रिएक्शंस किसी ने करवाए हो हाइपर एक्टिव थायराइड का,
तो उन पेशेंट्स के प्रिपरेशन के लिए भी अपन उनको आयोडाइड सॉल्ट देते हैं। भाई किसी ने किसी की बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी थायराइड, उसने सर्जरी करवाई हो, तो ये नमक अपन उसको दे सकते हैं। द यूजुअल फॉर्म्स ऑफ दिस ड्रग आर ल्यूगोल सॉल्यूशन। ये ड्रग अपन ल्यूगोल सॉल्यूशन, जिसमें आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड होता है, उस सॉल्यूशन के रूप में ड्रग अपन दे सकते हैं, या फिर पोटेशियम आयोडाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी अपन दे सकते हैं। ल्यूगोल सॉल्यूशन 5% आयोडीन 10% पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में मिला होता है। इसके अपन को एक दिन में 5 से 10 ड्रॉप देंगे तो भी सफिशियंट है। या फिर आप आयोडाइड सॉल्ट ले रहे हो सोडियम या पोटेशियम के रूप में, तो 100 से 300 mg पर डे आपको ये सॉल्ट लेना होता है। ल्यूगोल सॉल्यूशन केवल 10 ड्रॉप और सॉल्ट ले रहे तो 100 से 300 mg पर डे। अब आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जिसको अपन आइपोडेट कहते हैं, ये T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देती, सप्रेस कर देती है इस मैकेनिज्म को। किसके द्वारा? 5D आयोडिनेज के द्वारा, जो लीवर, किडनी और दूसरे पेरिफेरल टिश्यूज में प्रोसेस चल रहा होता है, उस प्रोसेस को ये रोक देगी। आइपोडेट जो है प्रूव हो चुका है कि ये बहुत यूजफुल है T3 कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने में। थायराइड टॉक्सिकोसिस जिन लोगों को हुआ हो, उनमें T3 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, T4 से T3 बन रहा होता है, उन लोगों में अगर आप आइपोडेट देते हैं, यानी थायराइड स्टॉर्म में अगर आप आइपोडेट देते हैं, तो T3 की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये ड्रग जो है वो मानी जा रही होती है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आयोडिन। ये एडमिनिस्टर्ड किया जाता है सोडियम सॉल्ट के रूप में, I3-131 आयोडिन वाटर में डिसॉल्व करके ओरली दिया जा सकता है। ये आयोडीन जो है एक्सरे एमिट करता है, साथ साथ में बीटा पार्टिकल्स भी, ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है एक्सरे और बीटा पार्टिकल्स दोनों एमिट करता है, जो कि थायराइड के द्वारा कंसंट्रेटेड आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन इज कंसंट्रेटेड बाई थायराइड इनकॉर्पोरेटेड इन कोलॉइड एमिट्स रेडिएशन फ्रॉम विद इन द फॉलिकल्स। भाई ये रेडिएशन को एमिट करेगा फॉलिकल्स के अंदर। बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो 0.5 से 2 मिलीमीटर के टिश्यू तक में आराम से पेनिट्रेट हो जाते हैं। थायराइड फॉलिकुलर सेल्स को ये अफेक्ट करते हैं, पिकनोसिस और नेक्रोसिस करवा देते हैं। पिकनोसिस न्यूक्लियर का डिग्रेडेशन और नेक्रोसिस सेल डेथ कॉज करवा देंगे, फॉलोड बाय फाइब्रोसिस। सेल डेथ होती है वहाँ फाइब्रोसिस हो जाएगा अगर अपन इसकी लार्ज डोज देते हैं, यानी थायराइड बहुत बढ़ गई है, तो अपन ये रेडियो एक्टिव आयोडीन उनको दे सकते हैं, तो वो थायराइड को डैमेज कर देता है, किल कर देता है, वो एक्स्ट्रा जो सेल्स हैं उनको किल कर देगा। अब इसका यूज़ अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हाइपर थायरॉयडिज्म में अपन यूज़ कर सकते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ या टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर की वजह से हाइपर थायरॉयडिज्म किसी में हुआ हो। एवरेज थेरापेटिक डोज 3 से 6 मिली क्यूरी इसकी डोज है। रिस्पॉन्स इसका काफ़ी स्लो होता है, 2 वीक के बाद ये अपना रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट करती है, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगी और 3 महीने में ये पीक पर पहुंच जाएगी। मतलब इसका असर जो है वो 3 महीने में पीक पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट है आयोनिक इनहिबिटर्स। कुछ मोनोवेलेंट एनायंस होते हैं जो आयोडीन की ट्रैपिंग को रोक देते हैं थायराइड में NIS के द्वारा। ये सिमिलर हाइड्रेट आयोनिक साइज, मतलब उसका जो रोक रहे हैं साइज को रोक रहे हैं, तो हाइड्रेट आयोनिक साइज के जैसा ये उसको बना देंगे। T4-T3 सिंथेसिस को ये इनहिबिट करते हैं, ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इसके एग्जांपल में हम पढ़ते हैं थायोसाइनेट और परक्लोरेट। बीटा ब्लॉकर्स के रूप में अपन प्रोप्रेनोलॉल काम में ले रहे होते हैं, ये रैपिडली एलेविएट मैनिफेस्टेशन दिखाती है थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर। प्रोप्रेनोलॉल थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर तुरंत अपना एक्शन दिखाएगी, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से अगर थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया हो, पर इसके अंदर पैल्पिटेशन, ट्रिमर, नर्वसनेस और स्वेटिंग देखने को मिलती है। इसके साथ में ही ये T4 को T3 में कन्वर्ट होने से भी रोक रहे होते हैं ये बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स को अपन हाइपरथायरॉयडिज्म में काम में ले सकते हैं इन सिचुएशंस में, जैसे अवेटिंग रिस्पॉन्स टू प्रोपाइल थायोयूरेसिल PPU और कार्बिमेजोल को अगर अपना असर दिखाना टाइम लग रहा है, तो आप बीटा ब्लॉकर साथ में दे सकते हो। आयोडाइड के साथ में भी आप दे सकते हो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन के रूप में, ऑपरेशन से पहले आप ये दे दीजिए और फिर आयोडाइड भी दे दीजिए।
सब टोटल थायरॉयड और थायरोडेक्टॉमी जब किसी को करवानी हो, थायरॉयड को रिमूव जब करवाना होता है तो अपन ये ड्रग दे सकते हैं, थायरोटॉक्सिक क्राइसिस के अंदर दे सकते हैं जब बहुत ज़्यादा थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाता है। प्रोपेनॉल 1 to 2 mg स्लो आईवी के थ्रू दिया जा सकता है, बाद में 40 से 80 mg ओरल दे सकते हैं, हर 6 घंटे के अंदर ये दी जा रही होती है। इसके साथ ही आपका थायराइड का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टीरॉइड्स पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।